अगर तो मेरे फ्यूचर से ज्यादा शौक बिस्मिल्लाह तुझ में इतने छेद करूं हमें कोई वास्ता जबराट बंदूक खराब नहीं होती भैया बाहर छोड़ मैं इधर उधर वेस्ट क्यूटीज़ अस्सलाम वालेकुम इट्स मी याश्मा वेलकम बैक टू माय व्लॉग वीडियो चैलेंज। तो टुडे इज़ 32 डे ऑफ 365 डेज व्लॉग वीडियो चैलेंज। आई एम डूइंग माय बेस्ट कि मैं मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग दे सकूँ मैं उतना दे पाऊँ। सो हेयर आई एम गेटिंग रेडी फॉर माई शूट एंड रात का टाइम हो रहा है। यहाँ मैं अपने बालों को क्रिम कर रही हूँ क्योंकि मैंने नोटिस किया कि बहुत दिन से बहुत टाइम हो गया मैं कोई हेयर स्टाइल अलग से की नहीं हूँ। क्रिम्पिंग करने के बाद हेयर आई हैव स्टार्टेड माय शूट एंड शूट वूट में हेयर बहुत ही लेंदी सा हो जाता है। जो वीडियो आप लोग को एक मिनट का मिलता है ना मैं सच में बता रही हूँ उसको शूट करने में एक डेढ़ घंटे तो लग जाते हैं। और उसके बाद फिर काट छाट के एडिटिंग करो ये करो वो करो इट टुक अ लॉट्स ऑफ टाइम एंड यही सब लाइफ है। ओह माय गॉड लुक एट दिस आई लुक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव क्रिएटेड समथिंग लाइक दिस एंड आई न्यू दैट दिस इज सो सिमिलर काइंड ऑफ आई लुक। मतलब बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा इस आई लुक के साथ बट द लुक इज़ जस्ट वाओ बहुत ज़्यादा प्रीटी एंड आई हैव वेयर ओनली वन ईयर रिंग क्योंकि दोनों कानों में मैस्ट नहीं करना था एंड इधर जुल्फे हमारी ऐसी रहेगी ना तो वो सिर्फ इधर से हमारा दिखेगा। बाय द वे आज मैं अपना ये वाला हाथ को ज़्यादा ही शेक कर रही हूँ बिकॉज लुक एट द मेहंदी का कलर एंड लुक एट द नेल पॉलिश कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। अब जब कॉम्प्लीमेंट्स आए तो क्यों नहीं दिखाए भाई सब। हाँ हाइलाइटर नेक पे आज मैंने अप्लाई नहीं किया वही सोच रही मेरे चेहरे ज़्यादा चमक रहे हैं एंड वाई माई नेक इज़ नॉट शाइनिंग लाइक माई फ्यूचर। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ऐसे बोलते हैं मेरी शक्ल तो मेरे फ्यूचर से ज़्यादा शाइन कर रही है। नहीं ये नहीं बोलने का है ये बोलने का है कि बस मेरे फ्यूचर की जैसी ही शाइन कर रही है मैं अपने फ्यूचर में भी ऐसी चमकने वाली हूँ। गाइस जब तक हम खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक कहाँ से वो वाली एनर्जी आएगी। ब्रश किधर चला जाता है यार मेरा मतलब किधर कहाँ है यही है आई एम द बिगेस्ट वन ब्लॉकर। सो इस टाइप से हाइलाइटर बस लगा लेना है मैस सा। अभी लिपस्टिक लगाऊंगी आज बहुत ही ताज़ा मुझे लिपस्टिक रिसीव हुई है कलर सेंस की तो बस इसी बहाने उसका रिव्यू भी हो जाएगा एंड मैं अप्लाई भी कर लूँगी पिंक। इसीलिए मैंने आई लुक में भी पिंक का इस्तेमाल किया क्योंकि लिप शेड्स भी पिंक है या इट्स सिमिलर समथिंग लाइक पिंक नॉट एक्यूरेट पिंक लेकिन हाँ कुछ पिंक से मिलता जुलता सा है। Sayang, kamu juga sayang, tapi sayang नाइट टाइम और 2:15 हो रहे हैं रात में और मेरा मुंह बाहर जाके धुलने का बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हो रहा है इसलिए मैं भी यूज़ कर रही हूँ ओजोन का क्लासिक क्लीनर और इसको हम लोग बस ऐसे ही मसाज करके वाइप ऑफ कर सकते हैं। और मैंने सबसे पहले मेकअप रिमूवल से मेकअप रिमूव कर लिया और अब इस तरीके से मसाज करके पूरे फेस को मैं अच्छे से क्लीन करके टॉवल से पोंछ लूँगी। सुबह मैं उठूँगी देन आई विल वॉश माय फेस क्योंकि भाई साहब एक टाइम लिमिट होती है और कल से रात में शूट नहीं करूँगी बहुत हुआ दिन भर मैं इधर उधर वेस्ट कर देती हूँ और रात में मेरे को शूट याद आते हैं। एवरीवन गेट रेडी विद मी टू गो आउटसाइड फॉर ज़ैनब सीयर पियर्सिंग कराने जा रही है बहुत ज़्यादा अपने अंदर वो जबरा डॉन वाला ताकत लेकर के मुझसे बार बार पूछ रही है दर्द नहीं करेगा ना दर्द नहीं करेगा ना। एक्चुअली वो जो गन शॉट वाले से पियर्सिंग होता है ना उसमें आगे चल के ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तांबा वाले में मुझे लगता है कि ज़्यादा बेनिफिशियल होता है तांबा वाले से ईयर पियर्सिंग कराना। अब आई डोंट नो हम लोग ऐसे अपने लोकल में ही जा रहे हैं ज़्यादा दूर नहीं जाने वाले हैं तो अब सोनार के यहाँ ईयर पियर्सिंग अच्छे से होता है सो वही हम लोग जा रहे हैं देखते हैं कि क्या होगा। बोलिए कि पहले सिर्फ एक पियर्स कराऊंगी अगर एक पियर्स कराने में ज़्यादा दर्द नहीं होगा तो फिर मैं 4 पियर्सिंग करा लूँगी मतलब 2 इस कान में 2 इस कान में। आई वाज लाइक ओके पूरे कान में छेदा छेद करा लो उसके बाद फिर वो वाले डायलॉग मारे जाएंगे हम लोग वो वाले डायलॉग मारेंगे तुझ में इतने छेद करूँगा तुझ छेदी सिंह बन जाएंगे। सो जल्दी जल्दी फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और मैं ही लेट कर रही थी देर से बेचारी बंदी रेडी शेडी होके बैठी है एक तो एक्चुअली हम लोग गए थे इसकी एयर पियर्सिंग कराने के लिए ना तो वहाँ पता है मतलब था ही नहीं यार
सो नाउ वी आर गोइंग टू पटना मार्केट एंड लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट कि वहाँ बस हमारे कार्यक्रम हो जाए वही ना शायद आज किसी चीज़ का एग्जाम है क्या चलिए अपने वीडियो पे फोकस करते हैं एग्जाम और पढ़ाई से हमें कोई वास्ता नहीं बस ये वीडियो हम लोग के घर वालों तक नहीं जाना चाहिए आप लोग कहीं भी फैला दो बस हमारे फैमिली से अरे अभी वो स्प्रे लगा रहे हैं यार हाँ मूवमेंट नहीं करना वो अभी नहीं करना स्प्रे लगा रहे हैं कान के अंदर लगाए स्प्रे कहाँ लगाए स्प्रे लगाए कि बिस्मिल्लाह अरे कान लगा रहे हैं यार अभी जब नहीं उठा के ना कुर्सी छोड़ के भाग गए अरे ये रुकिए हमको देखने दीजिए कहाँ अच्छे दाने ज्यादा ऊपर में नहीं कीजिएगा गड्ढा में तो सेकंड वाला होगा गड्ढा में हाँ यही होता है हाँ ऐसा कि मतलब यार गड़बड़ लग रहा है यार रिंग लगा हुआ है नीचे रिंग लगा हुआ है उसमें घूम देना हाउ इज योर फीलिंग पता नहीं इनको कहीं भी बोलते हैं कहाँ से मिलेगी वेरी बैड How's you feeling? Feeling is good. Awesome. Just looks you like. Wow. जब ऐसा ना हो जाए हो जाए भैया मेरे में ये मत करिएगा गोल्डन गोल्डन बंदूक है यार वेल टाइम में सिल्वर सिल्वर बंदूक खराब नहीं होती भैया एक अपने पे मार के देख लीजिए पहले पॉइंट देखिए तो पॉइंट एकदम सही है ना हाँ चल आप बैठिए ना आप कहाँ देख रही हैं तो इसी से बांध के मारेगी पहले ही बोल दिया है ना ए भैया एक मिनट ए बॉबी मूवमेंट नहीं करना नहीं अरे नापेंगे अरे सही में वो नापेंगे अरे यार ए बॉबी मूवमेंट नहीं करना अपना दोनों हाथ ऐसे करो हाँ एकदम मूवमेंट नहीं करना मूवमेंट नहीं करना कुछ हो गए ना वो हाँ। कुछ नहीं होगा हाथ पकड़ी ना बाद में बात मूवमेंट आंख बंद करो उधर मुड़ो आंख बंद करो अरे यार तुम आंख बंद करो ना बॉबी हिलना नहीं क्या हो गया हम लोग आपके साथ हैं बिल्कुल आपको डरना नहीं है हो गया बस 1 2 3 टना ये हाउ इज योर फीलिंग व्हाट हैपेंड आपको तो बात की थोड़ा बात कीजिए ओके सो यहाँ हम लोग ईयर पियर्सिंग करा रहे थे जिस टॉप्स से पियर्सिंग हमने कराए हैं उन्होंने 250 रुपीज़ सिर्फ टॉप्स का चार्ज लिए हैं जो इस डब्बे में है और 100 रुपीज़ वो वाले चार्ज होते हैं जो अलग से आते हैं खुले में एंड 100 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किया था पियर्सिंग करने का मतलब 350 में एक ईयर पियर्सिंग किया है उन्होंने और उन्होंने गारंटी लिया है कि उससे पकेगा नहीं क्योंकि वो जो टॉप्स है उसको आप 1 मंथ तक भी अपने कान में डाल के रख सकते हो उससे वो पकने का चांसेस नहीं होगा और इन्फेक्शन के चांसेस भी नहीं लगेंगे आपके ईयर में इसीलिए हमने वही वाली ईयर पियर्सिंग कराए वरना 100 रुपीज़ का भी ईयर पियर्सिंग था लेकिन वो 100 रुपीज़ अलग से चार्ज भी ले रहे थे अपना पियर्सिंग का टॉप्स का सिर्फ अलग अलग चार्जेस था एंड यहाँ मैं खरीद रही हूँ बोल गाइस नाउ वी आर हियर इनको इंजेक्शन लगवाना है बोल रही है कि अलग अलग दर्द एक तो कान वाला आउच मेरा भी ये कान पक गया है यार एक तो कान का दर्द ऊपर से इंजेक्शन कान का तो मेरा चल भी जाता है इंजेक्शन से हमको बड़ा मतलब अजीब तरीके का होता है यार अरे दर्द नहीं टेटवेट तो एकदम दर्द नहीं करता है ना गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि टेटवेट पेन करता है कि नहीं करता है मेरे नहीं कर ये देख लो और ये सूखने का दवा ले लेना और पेन किलर ले लेना
देख रहे हो थोड़ा सा फैशन के लिए क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन करना पड़ता है यार, क्योंकि वो तो मेटल है ना, उसके लिए तो मतलब थोड़ा सा तो फैशन, लेकिन वो बोले हैं कि इससे अगर आप पियर्सिंग कराते हो ना तो आपका पकेगा नहीं, मंथ रख भी, हाँ, और आप 1 मंथ इसको पहन के भी रख सकते हो इसको एकदम, ये जरूरी नहीं कि इसको आप 7 दिन में उतार दो। तो अभी भैया आ रहे हैं इनको इंजेक्शन देने, वहाँ यहाँ पे कहाँ पे दिलाएगा, यहाँ आर्म आर्म पे ऊपर से ऐसे कर सकती है ना समीर को। देरों का नाम क्या? अल्ताफी है, अल्ताफी नाम है आपका। ओह, एक पहले देख लीजिए भैया, यहाँ पे दर्द नहीं करेगा, ऐसे करके पकड़िए। हाँ कॉटन का, बिस्मिल्लाह। अरे इंजेक्शन हिल जाएगा अभी, ये पकड़ो मेरा वीडियो देखो, आज वाली स्टोरी बहुत खतरनाक कर रही है आज की वीडियो में। बिस्मिल्लाह, आपकी फुप्पू के साथ बिस्मिल्लाह। और फुप्पू पता है क्या करी है? फुप्पू तो कुछ करी ही नहीं है। ये हम लोग का सामान है तो ये हम लोग खाना छोड़ मिल गई। अल्लाह अल्लाह, तू भी हॉस्पिटल में भूत उठ खा दिया भूत चुन है। हाउ इज द फीलिंग? ये पैकेट के बदला खाना ले जाने वाला फीलिंग्स कैसा था अंकल? इस कलर का क्रीम लगा गॉड का मांगा सर। एक्चुअली दिस इज माई टुडे शॉपिंग, जिसमें मैंने लिया है ये बहुत ही क्यूट सा मग। मुझे मतलब एक्चुअली ये एक नज़र में मुझे पसंद आ गया था तो ये, और इसके साथ साथ जो इसका स्ट्रॉ है ना वो भी शीशे का है, तो इसमें हम लोग कोल्ड कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, अपनी कोई भी फ्रूट जूसेस को इंजॉय कर सकते हैं। फ्रूट जूस के नाम से याद आया कि मेरे को क्यूक्यूम्बर खरीदना था, हाँ क्यूक्यूम्बर खरीदना था और मैं भूल गई। इसमें देखो स्ट्रॉ भी ना, इसका ग्लास का स्ट्रॉ दिया हुआ है, सो बहुत क्यूट लग रहा था। एंड इसके साथ ली हूँ मैं अपना ये बोल, बहुत अच्छा लग रहा था, दिस वॉज लुकिंग गुड। एंड सच में वो वाइब दे रहा है, मतलब ऐसा बोल मैं बहुत दिन से सोच रही थी एंड फाइनली आज मिल गया मुझे। अब मुझे बहुत क्यूट सा लग रहा था, मतलब हाँ सीरियसली इट वॉज लुकिंग वेरी क्यूट, पिंक के कॉन्ट्रास्ट में, डार्क पिंक, लाइट पिंक एंड वाइट, तो ये बहुत ही प्यारा सा वाइब दे रहा था। वैसे मैं इतना चाय तो नहीं पीती हूँ, बट या इसके हाफ में मैं चाय पी सकती हूँ, कप को दिखाते हुए इंजॉय करती हूँ, सो इट विल लुक ग्रेट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, एक्चुअली रात ही हो रहा है, डोंट वरी अबाउट इट कि सुबह से मैंने इतना जल्दी कैसे हुआ। आज मैं रात में क्या किया, जब मैं बाहर से आई थी ना, लिटरली आई वॉज नॉट फीलिंग अ बिट वेल, मैंने लंच करा, मैं निकल गई थी यहाँ से, लाइक मेरे को बस लोकल में जाना था, मगर लोकल का ऐसे सोच के हमारा काम लोकल में हुआ नहीं, फिर हमें पटना मार्केट जाना पड़ा एंड फिर पटना मार्केट से फिर हम लोग सब्जी बाग चले गए, क्योंकि बहुत टाइम हुआ था मुझे उधर गए हुए एंड कुछ सामान मुझे लेने भी थे, तो मतलब उतने पैसे तो नहीं लेके गई थी, लेकिन जो थे उसमें जो मुझे पसंद आया मैंने वो सामान ले लिया। एंड उसके बाद फिर हम लोग घर आए, घर आने के बाद काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 4 बजे मैं निकली थी, 3:40 में मैं निकली थी घर से, और घर आते आते 7 PM हो गए, मतलब अच्छा खासा 3 घंटे का टाइम लगा है। घर आई हूँ मैं, फिर मैंने लंच किया है, और लंच करने के बाद मतलब इतना ज़्यादा हेडेक मुझे सेंसेशन फील हो रही थी, इतना ज़्यादा कि मतलब मुझसे प्रॉपर तरीके से बैठा तक नहीं जा रहा था, सो मैं बस मेडिसिन ली हूँ। मेडिसिन लेने के बाद मैं मम्मी को बोली कि प्लीज़ मुझे जगाइएगा मत, रूम वूम का पूरा लाइट्स बंद करके, फ़ोन अपना स्विच्ड ऑफ करके मैं कुछ टाइम के लिए सो गई थी। एंड नाउ इट्स 9:30, कुछ टाइम का नींद लेने के बाद बोले तो 1 से 1.5 घंटे का मैं नींद ली हूँ। एंड इस टाइम मतलब उतना प्रॉपर नींद तो नहीं आता है, बट हाँ ठीक है, फिर भी माइंड को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था। कल रात में शूट करते करते बहुत टाइम हो गया था, मतलब कल शूट ऐसे मेरा बेसिकली टाइम होता है ना कि 1:30 बजे तक मुझे शूट कंप्लीट कर लेना होता है रात में, अगर मैं रात में शूट करती हूँ तो, लेकिन कल बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मतलब लगभग मुझे लग रहा है 2:30-3 हो गए थे, एंड बिस्तर पे आते थे 3 बज गए थे। जब टाइम से वे टाइम होता है तो फिर नींद नहीं आता है। अब मैं कोशिश कर रही थी कि नींद आ जाए, आ ही नहीं रहा था। 4 बजा, फिर 4:15 हुआ, मतलब जब सुबह होने का टाइम हुआ तब जाके मुझे नींद आया था, और उसके बाद 8:30 का मैं अलार्म लगा ली थी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप जितनी भी लेट से सो बट आपको अपने टाइम पे उठ जाना चाहिए। सो मैं बस मॉर्निंग में उठ गई थी, और उसके बाद फिर फुल डे भागदौड़ काइंड ऑफ लाइफ था, एंड एडिटिंग है, शूटिंग है, एवरीथिंग इज़ देयर, और इन सब भागदौड़ वाली लाइफ में थोड़ी बहुत हम लोग कहीं ना कहीं थक से जाते हैं, एंड उसके साथ साथ जब हमारी नींद प्रॉपर नहीं हुई रहती है तो हम बहुत ज़्यादा अजीब फील करते हैं, अगर हम फिट भी रहते हैं तो भी हम अजीब फील करते हैं, इसीलिए प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सो बस अभी मैं सो के उठी हूँ, कपड़े चेंज करूँगी, नीचे जाके सिर्फ मुझे रोटी बनाने हैं, बाकी सारे काम हो चुके हैं। रोटी बनाने के बाद फिर आज मैं आऊँगी। आज मैं कोई शूट कोई एडिटिंग कुछ भी नहीं करने वाली क्योंकि माइंड को थोड़ा सा फ्रेश रखना चाह रही हूँ मैं। एंड ब्लैक कलर का क्रेप कपड़ा लूँगा, देखो मेरे पास ये ब्लैक कलर का साड़ी है विच इज़ प्लेन जॉर्जेट साड़ी, एज यू कैन सी बहुत ही मतलब ये प्लेन जॉर्जेट आप लोगों को कपड़ा कहीं भी मिल जाएगा, मैं दिखा दूँ आप लोग को, इस टाइप के कपड़े होते हैं। एंड मैं इसका बनाने वाली हूँ फ्रॉक, तो इसके लिए अंदर में इनर डालने के लिए मैं कपड़े ली हूँ और जो कि क्रेप मटेरियल का कपड़ा है, तो क्रेप मैं सिर्फ ऊपर में डालूँगी यहाँ तक। एंड इसके नीचे कपड़ा मैं डालने वाली हूँ, एक कपड़ा है उसमें हल्का सा शाइन है, वही कपड़ा मैं नीचे फ्लेयर में डाल दूँगी और ऊपर से ये पूरा जॉर्जेट रहेगा। और सलवार मैं अपना लेगिंग्स पहन लूँगी, मेरे पास ब्लैक सलवार है, बट इसमें से मुझे कपड़ा दुपट्टा के लिए भी निकालना है, तो ऑलमोस्ट मेरे को 2.25 मीटर कपड़ा पहले मैं इसमें दुपट्टा का मेजरमेंट करके कपड़े निकाल लूँगी, फिर फ्रॉक की कटिंग करूँगी। सो रात में अगर फ्रॉक की कटिंग कर पाऊँगी तो मैं आप लोग से ज़रूर से शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी थोड़ा बहुत तो देख सकूँ ना यार। अगर आज कटिंग कर लूँगी तो कल फ्रॉक को स्टिच करके मैं कल रेडी कर दूँगी फ्रॉक को। या